Assalamualaikum, बानो के किचन में खुश आमदीद। आज हम चिकन मंचूरियन स्पैगेटीज बनाएंगे। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो ये मैं आपको बताऊंगी। ये 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक हसब ज़रूरत, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक कुटा हुआ, 2 चम्मच मैदा, 1 अंडा। ये तकरीबन 1.5 पाव ये चिकन है, हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिए है। अब इसके अंदर हम ये मसाले ऐड करेंगे, ये सारे इसके अंदर हम अदरक, मिर्चें, काली मिर्च, नमक, और इसके बाद हम ये 1 अंडा इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इस तरह से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मेरे ख्याल में हाथ से मिक्स कर लेती हूँ, इसे अच्छी तरह नहीं हो रहा मसाला। फिर अच्छी तरह सारी एक एक बोटी के अंदर इसको लग जाएगा हाथ से इस तरह का। इसके अंदर हम ये मैदा थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐड करेंगे। बस इतना ही काफ़ी है। व्यूअर से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू। हम 5 मिनट तक रखेंगे, उसके बाद इसको फ्राई करेंगे, फिर आगे मैं बताऊंगी क्या। हमने ऑयल चिकन फ्राई जो हमने मैरिनेट करी थी उसको फ्राई करने के लिए ऑयल कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिया। ये ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। इधर हमने ये 1 पैकेट स्पैगेटीज हैं, इसके लिए हमने पान 1 पतीले के अंदर ये पानी उबालने के लिए रख दिया है। जब इसको पानी को उबाल आ जाएगा तो इसके अंदर हम ये स्पैगेटीज और 1 चम्मच नमक और ये 1 चम्मच ऑयल का डाल देंगे। ये हम अब चिकन को फ्राई कर रहे हैं। देखें आप एक एक पीस उठाते हैं, इसको फ्राई करते हैं। हमारी ये चिकन फ्राई हो चुकी है जो हमने ये मैरिनेट के लिए, अभी हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारी ये फ्राई कर लेंगे, बस इसी तरह के आपने फ्राई कर लेंगे। उबाल आ चुका है, अब इसके अंदर हम थोड़ा सा ये ऑयल डाल देंगे 2 चम्मच के करीब, और इसके अंदर 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। अब इसके अंदर ये हम स्पैगेटी डाल देंगे। हमारी ये चिकन फ्राई हो रही है, अभी इसी तरह हमारे हम ये थोड़ी सी और रहती है, सारी फ्राई कर लेंगे। पर ये हमारी स्पैगेटी पक चुकी हैं माशाल्लाह, ये अब हमें तैयार हो चुकी हैं। अब इसको हम छान लेंगे। पर ये हमने जो चिकन फ्राई की थी, ये चिकन को हमने निकाल लिया है। ये 3 चम्मच केचप के हैं, 2 चम्मच चिली सॉस, 2 चम्मच ब्लैक सॉस, 2 अदर टमाटर को हमने ग्राइंड कर लिया है, 1 चम्मच सिरका है विनेगर, 2 चम्मच ये कॉर्नफ्लोर है, 1 चम्मच ब्लैक पेपर, हसब ज़रूरत नमक, 1 चम्मच रेड चिली, 1 पाव शिमला मिर्चें, 1 पाव गाजर, 1 पाव बंद गोभी, ये थोड़ी सी कटा हुआ लहसुन है। अब हम इसके अंदर हम ये ना थोड़ा 4 चम्मच ऑयल है, वो ही ऑयल है जिसमें हम ये चिकन फ्राई की थी, उसी के अंदर हम ये लहसुन को ऐड करते हैं। लहसुन को थोड़ा फ्राई करेंगे। हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम इसके अंदर
ये गाजरें ऐड करेंगे। इनको फ्राई करेंगे गाजरों को। ये बस गोभी भी ऐड करने हैं। बस ये हमारी सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा है, आप इससे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमें सब्ज़ियाँ ज़्यादा पसंद है इसलिए हम इसके अंदर ज़्यादा सब्ज़ियाँ ऐड करते हैं। इनको फ्राई करेंगे, थोड़ा भुनेंगे। बस ये हमारी सब्ज़ियाँ फ्राई हो चुकी हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। बस ये हमने 2 चम्मच इसके अंदर ऑयल और ऐड कर दिया है। अब हम इसके अंदर अदरक को फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करेंगे थोड़ा सा, इसका कच्चापन ताकि खत्म हो जाए अदरक का। तो 1 चम्मच हमने ये मैदा लिया है, इसको भी इसके अंदर ही भून लेंगे। मैदे को अच्छी तरह भून लेंगे। हमारा भून चुका है, अब हम इसके अंदर ये ग्रीन चिली और टमाटर ऐड कर देंगे, इनको भी थोड़ा भून लेंगे। हमने ग्राइंड किए हुए टमाटर ऐड कर दिए थे, पहले मैदा हमारा भून चुका था। अब ये हमने टमाटरों को अच्छी तरह टमाटरों को पानी खुश कर दिया है इसके। इसके अंदर थोड़ा पानी ऐड करेंगे। अब ये हम ये इसके अंदर ये मसाले ऐड कर देंगे। ये इसके अंदर ब्लैक सॉस ऐड कर देंगे। चिली सॉस भी ऐड कर देंगे साथ में। इसके अंदर हम ये केचप भी ऐड कर देंगे। और ये हम सिरका भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। बस इसके अंदर हमने 1 चम्मच चीनी ऐड किया है। ये 2 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर है, इसको हमने अच्छी तरह घोल लिया, ये भी इसके अंदर ऐड करेंगे। दो मिनट तक इसको पकाएंगे। अब इसके अंदर हम ये पानी ऐड करेंगे, इसको थोड़े एक मिनट तक पकाएंगे। ये बस 1 मिनट हो चुका है, अब इसके अंदर हम ये स्पैगेटी ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अब जैसे इसके अंदर हम ये सब्जियां ऐड करेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको। अब हम फ्राई चिकन इसके अंदर ऐड करेंगे, थोड़ी सी गार्निश के लिए बचा लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे।
हमारी चिकन मंचूरियन स्पैगेटी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये हम डिश आउट करेंगे। अब इसके ऊपर हम ये फ्राई किया हुआ चिकन लगा देंगे गार्निश के लिए। व्यूअर, यह स्पैगेटी बहुत मज़े की बनती है। आप इसको बनाएं और खाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, घंटी के बटन को दबाएं। थैंक यू।